ऑल राइट जी, मैं आपको लेके आ चुका हूँ अपनी आज की फूड लोकेशन पे। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है मोहम्मद हनीफ सिरीपाए, जो नीफा सिरीपाए के नाम से भी जाने जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेम्पल रोड पे। चलते हैं अपनी फूड लोकेशन पे और वहां जाके देखते हैं कि हमें आज यहाँ पे पाए का जायका कितना मजेदार और कितना लजीज मिलता है। नान और साथ में गर्मा गर्म जो पाए हैं, साथ में मग्ज है, इनका एरोमा बहुत मजेदार है। जो मिक्स होके जो कॉम्बो बन रहा है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। और क्या ही बात है यार, बहुत ही, या तो वो इसकी जो साथ में हड्डी थी वो पहले से अलग थी, या मेरे ख्याल में अलग नहीं थी, क्योंकि ये देखें ना कितना नरम है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त यार, बहुत ही अच्छे से इसको टेंडर्ड आपको पाए मिलते हैं यहाँ के। मैंने आपको बताया कि मैंने पाए आज सेकंड एक्सपीरियंस करने लगा हूँ, और देखते हैं भाई क्या है। शोरबे का टेस्ट यार बहुत मजेदार है। मतलब एक ओरिजिनली जैसे आप शोरबा कह सकते हैं ना, वो वाली चीज मुझे यहाँ पे मिल रही है, शोरबे का टेस्ट। और अब जी इसकी बोटी को मैं ट्राई करता हूँ, जो कि इसकी बेसिकली पाए की जो स्किन होती है उसी को ही बोटी कहा जाता है। और बहुत ही नरम और मुलायम, जैसे जेली आपके हाथ में आ गई हो। तो भाई थोड़ा सा मैं इसको लेके ट्राई करता हूँ, इसकी बोटी का टेस्ट भी देखते हैं, साथ में थोड़ा दोबारा से शोरबा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस है पाए खाने का, और इस तरह जो जेली वाला जो गोश्त है ना, वो मैंने खाया है, मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। ख़ास तौर पे जो शोरबा है ना, शोरबे का अपना ही मज़ा है। अगर मैं इनकी जो बोटी खाई है ना, मैंने बोटी की बात करूँ तो वो मुझे कितनी मसालों वाली नहीं लगी, नॉर्मल न्यूट्रल से उसके मसाला जाते हैं, लेकिन वो भी अच्छी है। लेकिन जो शोरबे का टेस्ट है ना, सारे पैसे शोरबे के। और अब मैं ट्राई करता हूँ मग्स को। शोरबा दोनों का सेम ही है, और पाए खा के मुझे वाकई मज़ा आया। जैसे मैंने बताया कि बोटी का जायका मुझे न्यूट्रल लगा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मसाला ज़्यादा हो कम हो, न्यूट्रल जायका था। और शोरबे का असल जायका था जिसको नान के साथ खा के वाकई मज़ा आया। तो अब ट्राई करते हैं इनका मगज़, और मगज़ को मैं देखता हूँ भाई। पाए तो मैं फिर भी पहले खा चुका हूँ, मगज़ मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा खा रहा हूँ। तो भाई ये भी काफ़ी नरम और मुलायम सा इसका गोश्त है। मेरे जहन में ना अजीबो गरीब सी चीज़ें थी इन चीज़ों के मुतालिक, पाए, मगज़ और सारा कुछ। लेकिन भाई आज आपके लिए मैं इनको खा रहा हूँ, इनको ट्राई करके भी आपको बता रहा हूँ कि भाई इनका जायका और इनका टेस्ट मुझे ख़ुद को भी कैसा लगा है और आपके लिए भी कैसा होगा। तो भाई अब मैं ट्राई करने लगा हूँ मगज़। तो भाई इसकी बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जो मगज़ का जायका है ना, वो इट्स लाइक कलेजी, जिसने आप कलेजी खाते हो ना, उसी से मिलता जुलता इसका जायका है। इट्स गुड यार।